ये है रास्ता जाता है टाबू मॉनेस्ट्री को। सो हम चले हैं अभी टाबू मॉनेस्ट्री की ओर। यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है वो 1000 ईयर से पुरानी है। सो दो मॉनेस्ट्री, एक नया एक पुराना, तो यू बेटर गो फॉर द ओल्ड मॉनेस्ट्री। बस, कार, बाइक सीधा ओल्ड मॉनेस्ट्री के पास में लग जाती है। और अगर पैदल जाना चाहते हो तो 5 मिनट्स का वॉक भी है। ये सीधा रास्ता जो है टाबू में एंट्री करते ही, अगर शिमला साइड से आ रहे हो, नागो साइड से, तो आपको सबसे पहले ये रास्ता मिलता है। बट हमने चाय पीने के बाद में फिर ये रास्ता अपनाया। अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्यारे लोग हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत टाबू आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करती है। ग्राम पंचायत जो है वो अभिनंदन करती है, करता नहीं है। ये है न्यू मॉनेस्ट्री, ये वाला न्यू मॉनेस्ट्री है। इसके बगल में ओल्ड मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करो। ओल्ड मॉनेस्ट्री 996 एस्टैब्लिश्ड इन 996 AD। उस सामने में आपको दिखाई दे रहा है वो केव्स है, दो ज्यादा केव्स, और ये है मॉनेस्ट्री। चलो लेट्स टेक सम शॉट्स। हम अभी इस वक्त है टाबू मॉनेस्ट्री में, जो कि 996 AD में स्थापित की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी। वो इस तरह से दिखती है। पूरा मिट्टी का बना हुआ है और सामने पूरे पहाड़ है चारों तरफ। बच्चू रो रहा है। और ये है यहाँ की मॉनेस्ट्री, जो अभी बंद हो चुकी है। यहाँ पर टाइम है 1 बजे तक, दोपहर में 1 बजे के बाद ये मॉनेस्ट्री बंद हो जाती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, उसके हिसाब से प्लान करो। एंड ये है यहाँ की छोटी सी डिटेल्स। 9 AM से 1 PM, 1 PM से 2 PM का लंच ब्रेक है, 2 PM से 5 PM फिर से टाबू मॉनेस्ट्री खुला रहेगा। 996 AD में ये बना हुआ है। ये ओल्ड मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर ये है न्यू मॉनेस्ट्री। सो चलो चलते हैं न्यू मॉनेस्ट्री देखने के लिए, उसके बाद में हम यहाँ से निकल रहे धनकर मॉनेस्ट्री के लिए। लेट्स गो। केव्स के लिए जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, मैं चलूँगा इतना। हम यहीं पर अपना डे एंड करते हैं। फिलहाल टाबू मॉनेस्ट्री, नाउ लेट्स गो अनदर मॉनेस्ट्री। गुड बाय ओल्ड मॉनेस्ट्री फ्रॉम टाबू, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और हम चले यहाँ से बाहर। ये न्यू मॉनेस्ट्री है, वो वाली ओल्ड मॉनेस्ट्री थी। आई होप आप लोग को देख करके मजा आया होगा। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स द अनदर मॉनेस्ट्री विच इज धनकर। आगे में देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे रेत छालने की मशीन है ऊपर में। और हाँ, इसके पीछे में, इस पहाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है, इस पहाड़ी के पीछे में तिब्बत है, सो चाइना बॉर्डर। सो इट्स नॉट अलाउड टू फ्लाई एनी ड्रोन्स ओवर हियर। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल इसके पीछे में ही बोला गया है कि चाइना का बॉर्डर है, तो इट्स नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन्स हियर। तो ड्रोन शॉट नहीं ले पाया हूँ मैं, बट कोई ना, आगे वाले में लेते हैं। चलिए, और 1 घंटे का सफर बाकी है धनकर पहुँचने के लिए। बज रहा है अभी 1। क्या आप लोग इस ब्रिज को जानते हो? नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता था, अब जानने लगा हूँ। इस ब्रिज का नाम है टाबू ब्रिज। ये इधर से छोटी सी नदी आती है और ये जो बड़ी नदी है उसमें मिलती है। अब ये बड़ी नदी सतलज नदी नहीं है भैया, जो भी नदी है वो नहीं है। इस नदी का नाम है स्पीति नदी।
स्पीति की जो नदी है वो स्पीति की ये नदी है जो हमारे साथ में वहाँ से आई थी नाको के बाद। तो ये नाको नाको मराठी वाला वही है स्पीति वाली नदी, वहाँ से यहाँ तक जाके आगे मिलती है बड़ी वाली नदी में। छोटी नदी, बड़ी नदी, बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, उससे बड़ी नदी नहीं है, उससे बड़ा समुंदर। सो ये है स्पीति वैली की नदी, ये देखो ये है स्पीति नदी। और यहाँ पर जो गांजा वांजा मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं कि इधर आकर के बस गांजा ढूंढो और गांजा फूको, ऐसे नहीं करने का भाई। प्लीज डोंट स्मोक गांजा, डोंट स्मोक एनीथिंग, गुड फॉर यू, गुड फॉर एवरीवन एंड गुड फॉर योर फैमिली। चलिए भैया, यहाँ पर पत्थरबाजी बहुत हो रखी है, ऊपर से संभल संभल के गाड़ी चलाओ, पंक्चर ना हो जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पर बस झाड़ू मारते रहते हैं, रास्ते को साफ करते रहते हैं ताकि ये पत्थर किसी को चुभे ना और किसी की गाड़ियाँ पंक्चर ना हो, टायर ना फटे। चलिए आगे बढ़ते हैं धनकर की ओर। हमको लेना है टर्न 20 किलोमीटर के बाद, ऊपर जाना है 20 किलोमीटर के बाद, लगभग 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, ऊपर एकदम ऊपर में बनी है धनकर वैली, वहां पर उड़ाएंगे ड्रोन। ये है विलेज पो, इसका नाम है पो विलेज है। तो यहाँ पर भी ग्राम पंचायत होगी। पो विलेज में आपका स्वागत है और शुरू होते ही पो विलेज खत्म हो चुका है। बहुत देर बाद टापो क्रॉस करने के बाद में ऐसा फ्लैट लैंड देखने के लिए मिला है। वहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 600-800 मीटर का एक पूरा का पूरा ये लंबा सा स्ट्रेच है, बहुत लंबा सा स्ट्रेच है जो फ्लैट लैंड दिखाई दे रहा है, एकदम प्रॉपरली फ्लैट है। और इसके पीछे में जैसे मैंने बताया था तिब्बत है, तो चाइना बॉर्डर है। बस वो इन्वेट अभी ना करते, मैंने मार मार के भरता बना देना है, जो अभी इन्वेट नहीं कर सकते कि तो अपन है ना इधर बाहुबली, मां बहन कर देंगे सीधा। जाके आऊ क्या एक बार चाइना, चल रहा हो क्या वो? यहाँ से बिल्कुल पीछे ही एन लिखा है वहाँ पर, जिसका नाम एन से आता है उसका एन लिखा है वहाँ पर, तो आकर के क्लेम कर लो अपना लैंड। ये देखो कितना प्यारा है सामने पूरा मस्त वाला पहाड़। यहाँ पर ऐसी है प्रेयर के लिए जगह बना के रखी है इन्होंने, यहाँ पर ऐसी जगह पे प्रेयर करते ही है, इसलिए ऐसी जगह बना के रखते हैं जहाँ पर ये लोग प्रेयर करते हैं, वहीं पर ये प्रेयर फ्लैग्स बांध करके रखते हैं। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोग को, दे रहा हूँ तो ले लो भाई, नहीं लेना तो मत लो, सॉरी। तो भाई ये तो बहुत ब्यूटीफुल जगह दिख रही है, ये देखो किस तरह से ये पूरा पहाड़ काटे काटा हुआ है, बट यहाँ से अजीब सा दिख रहा है ये एकदम, थोड़ा कुछ अलग सा ही लग रहा है। ये टापो के बाद एक हल्का सा स्ट्रेच है, कुछ ऑफ रोडिंग जैसा, ऑफ रोडिंग तो नहीं है ये प्रॉपर, बट जैसा है तो बाइक निकल जाएगी, बट हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टायर बस्ट एंड पंक्चर्स। सो इसीलिए स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो। ये देखो भाई पुल कमजोर है, डू नॉट मेक अ नॉइजेस। जगह तो अच्छी है रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, जो कि वो लोग कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम कहीं और बनाएंगे। गिरी ना माँ कसम लाज भी नहीं मिलेगी, इतना गहरा पानी है ये,
चलो भैया हमें आगे बढ़ना है। भारत माता की जय। चलो आगे। ये जैसा कि मैंने आपको बोला था कि याक विद चरवाहा आपको ऊपर में मिलेगा। ये देखिए भाई साहब, याक यहाँ पर मौजूद है। ये है याक। सो एक्चुअली जो आपने देखा था वो खाते पीते घर के थे, जो उनको खिलाया पिलाया जा रहा था। और ये जो है वो एक्चुअली चरवाहे लोग जो इनके साथ में अपना रोजी बसर करते हैं, गुजारा करते हैं। और ये लोग यहाँ पर देखो, चलो कुछ नहीं तो याक तो देखने मिला। अट जाओ दोस्तों। क्या गुड सुने दिए मेरी बात है ना, समझता है। ये हट जाओ दोस्तों, चलो साइड में, एक साइड में चलो, सब लोग लेफ्ट साइड में हो जाओ। हाँ गुड बॉय, गुड बॉय, लेफ्ट साइड में चलो, लेफ्ट साइड में। इंडिया का रूल है लेफ्ट साइड में चलना पड़ता है भाई। अरे लेफ्ट साइड में, अरे भागने का नहीं है, स्लो चलो, लेफ्ट साइड से चलो, गुड बॉय। वो जो ब्रिज पीछे गया है, आई विल शो यू, पीछे एक ब्रिज गया है, वहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो वो काजा लेके जाता है आपको। बट हम यहाँ से अभी चढ़ेंगे धनकर मोनेस्ट्री के लिए। सो धनकर मोनेस्ट्री ऊपर है, इसलिए रास्ता हमको राइट में रखा है, नहीं तो उधर से लेफ्ट में ऊपर में काजा चला जाता है, और यहाँ से धनकर मोनेस्ट्री। सो विल कवर द धनकर मोनेस्ट्री फर्स्ट, उसके बाद में एक वाटरफॉल, और फिर उसके बाद काजा। वाओ, लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिया जाएगा एक टी ब्रेक, टू चार वीडियो शॉर्ट्स, एंड देन वी लीव फ्रॉम हियर टू धनकर। अभी इस ब्यूटीफुल नज़ारे को कहते हैं बाय, और चलते हैं धनकर वैली भाई, धनकर मोनेस्ट्री, बिकॉज हो गए लेट। लेट्स गो टू धनकर मोनेस्ट्री। वेलकम टू धनकर गोम्पा। गोम्पा मीन्स मोनेस्ट्री, जिसको लोकल लैंग्वेज में मोनेस्ट्री कहा जाता है। वो ऊपर में है। अभी यहाँ से हमको पूरी पहाड़ी चढ़नी है ऊपर तक। ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड है। ऑफ रोड तो खड़ा होकर चलाना पड़ता है भाई, तभी तो मज़ा आता है, बैलेंसिंग भी अच्छा बनता है। ये हो गया ऑफ रोड खत्म, और हम हो गए हैं रास्ते पे मार्च। हेलो, बेचारे दिन भर यहाँ पे काम करते हैं रास्ते को साफ करने वाला। और भी ऊपर तक चढ़ना बाकी है, वो देखो कार भी जा रही है ऊपर में। इन पहाड़ियों के पीछे में है काजा, सारी बर्फ की पहाड़ियों के पीछे। वहां पर टेम्परेचर थोड़ा माइनस मिलेगा और ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। That's a first glimpse of धनकर मोनेस्ट्री। वो देखो सामने, वो धनकर विलेज है पूरा। यहाँ से पहली glimpse यहीं से मिलती है, 4 किलोमीटर पहले से दिखाई देता है। छोटे मोटे टुकड़े दिखाई देंगे आपको, बट अभी हम सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। अभी 3.5 हो गया। जैसे ऊपर वाले पे जाएंगे ना, वैसे और भी क्लियर दिखेगा। सो अंदर में जाकर के लेते हैं थोड़े बहुत वीडियोज एंड फोटोज, एंड दिखाते हैं आपको धनकर मोनेस्ट्री। ये देख रहे हो, सारे रास्ते दिखाई देंगे यहाँ से आपको, बेस्ट पिक्चर शूट, ब्यूटीफुल। स्वागत है दोस्तों आपका।
यहाँ पर ये होटल है, मॉनेस्ट्री मत समझ लेना भाई। मैं इसलिए रुका था ताकि सर जी हमारे आ जाए कहला सर। तो अभी आगे बढ़ने का टाइम हो गया और बस कुछ ही पलों में हम पहुँच जाएंगे धनकर मॉनेस्ट्री, वो है वहाँ पे ऊपर। चलिए जी आगे बढ़ो। दिस रोड गोज टू मॉनेस्ट्री, ऊपर में पीछे से रास्ता जाता है 360 के लिए। वहाँ नीचे से यहाँ तक ही आए हम लोग, लगभग कुछ 50 कदम सांस फूल गई है। तो धनकर में 360 का पॉइंट ऊपर में यहाँ से पूरा धनकर वाली धनकर मॉनेस्ट्री दिखता है और ये पूरा विलेज दिखता है। वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर तक सांस फूल गई ना। अभी और थोड़ा सा आगे जाना है यहाँ से, एंड देन वी गोना शूट। भाई यहाँ पर जब भी आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो एकदम स्लो स्लो चढ़ो, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो। वो मॉनेस्ट्री का टॉप है, जाना है भाई। यहाँ और बड़ा चढ़ाई चढ़नी है और चढ़ना ऊपर चले। सामने में आपको फोर्ट दिखाई देगा, यहाँ पर भी फोर्ट है भाई। फोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर कौन अटैक करेगा? पहले के ज़माने का होगा शायद, डिटेल इन्फॉर्मेशन रील में बताऊँगा, यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा। यहाँ पर भी डिस्क्लोज करूँगा बट लास्ट में। चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। गुरुजी बोल रहे ऊपर जाओ, देखो ऊपर से क्या, मुझे बता तो मैं ऊपर आता हूँ, है ना। बड़े चालू बाबा। हाँ फौजी है तो क्या हो गया, फौजी इंसान नहीं होते क्या? फौजी को भी लंग्स होता है भाई। चलिए भाई अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। और ये हो गया हमारा धनकर मॉनेस्ट्री का सफर पूरा। अभी यहाँ से हम बढ़ेंगे काजा की ओर, बीच में पड़ेगा एक वाटरफॉल, सॉरी हाँ बीच में पड़ेगा एक वाटरफॉल। सी यू पाजी। वो वाटरफॉल को क्रॉस करके हमने आगे बढ़ना है। धनकर से निकलोगे काजा के लिए, आपको ये वाला भी रास्ता है जो धनकर के ऊपर से जाता है, और आपको लेकिन गूगल मैप पुराना वाला रास्ता बताएगा, जिससे आप आए हो वही रास्ता बताएगा, बट
यहाँ पे आए हो एडवेंचर के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर व्हाई नॉट टेक दिस रूट। मैप में तो ये 8 घंटा स्लो बता रहा है भाई, हाँ 8-10 मिनट स्लो बता रहा है, बट इट्स बेटर आई चूज दिस वन टू गो टू काजा। सामने हो गया है मौसम खराब, वहाँ पर हो रही है बारिश, बादल वादल ना फट जाए भाई, और पूरा का पूरा व्यू यहाँ से वहाँ तक का सब सीधा एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है भाई। मेरे गाड़ी में बचा है फ्यूल 184 किलोमीटर्स का, बट कोई ना, काजा में तो पेट्रोल मिल ही जाएगा। अभी ये क्या है, टी पॉइंट, भैया ओ, अरे कोई सुनेगा? देखो कितना मस्त है सामने। ओ भाई, खाना मिलेगा? खाना नहीं, तूने मेरे को क्रॉस कर दिया, मैं तेरे को क्रॉस कर देना पड़ जाए। हाय, मैं नाम सोच रहा हूँ उसको जाने दो भैया, वैसे भी कैलाश और बहुत पीछे है, हम व्यूज का मजा लेते हैं, व्यूज जो कि हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बढ़ नहीं रहे, बट फिर भी कोई ना, ये देखो आप व्यूज का मजा लो, बस और कुछ नहीं। इग्लू हाउस, इग्लू टाइप के हाउस बना के रखे यहाँ पे इन्होंने, और ये रेंट पे देंगे, सही है, अच्छा थीम है। भाई यहाँ पे तो धूल का तूफान आ रखा है, माय गुडनेस, धूल कहाँ से रहा भाई, और बारे बहुत धूल है भाई, बहुत ज़्यादा, और हवा भी तो बहुत ज़्यादा ही हवा है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हवा है, मतलब ऐसे विंड ब्लास्ट मिल रहा है, बाइक ऐसे 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 कर रही है, क्लच को पकड़ के चलानी पड़ रही है भाई। चलो चलो भाई, भूख लगी यार, खाना दिला दो यार, काजा आएगा तब दिलाएंगे क्या खाना, रेस्टोरेंट खुलवाओ यहाँ पे। काजा सिटी में आपका स्वागत है, यहाँ से शुरू होता है काजा सिटी। ये लो भाई, ये है पूरा वो काजा सिटी, वो ऊपर में है मॉनेस्ट्री, वहाँ पे ऊपर में पूरा फ्लैट है भाई, ये काजा फ्लैट ग्राउंड पे, रनगर की तरह नहीं है। नाइस 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 भाई, ये सामने देख रहे हो, अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये विंड स्टॉर्म नहीं है, पता नहीं कौन सा स्टॉर्म है, बट स्नो स्टॉर्म की तरह ये स्टॉर्म है शायद, जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी है, और बहुत ज़्यादा है ज़्यादा। ओ भाई, हैंड ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे, सब पहनना पड़ेगा इधर, बादल भी है, सूरज वूरज सब छुप गया एकदम से अचानक से भाई, गाजा सिटी, काजा सिटी गायब हो गया। चलिए चलिए आगे चलिए भाई, मस्त एकदम चौपर दस्त,
ये देखो पूरा ये स्टॉर्म जो है बादल है, पूरे बादल का बादल अखा बादल ही नीचे आ गया था ये, और यही घूम रहा था यहाँ पे। काजा सिटी का हमेशा का प्रॉब्लम है, यहाँ पर रूम्स अवेलेबल मिलते ही नहीं है। सो अगर आप आ रहे हो तो भाई पहले रूम बुक कर लेना काजा में स्पेशली, बाकी जगह सब जगह आपको रूम्स मिल जाएंगे, बट काजा में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अगर रूम मिला भी तो बहुत महंगा मिलेगा, जैसे फाइव स्टार होटल की प्रॉपर्टी हो। सो ये है पंगा, चलिए। भूख भी लग रही है यार, भूख खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, 5:30 बज रहा है, कोई रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स है, उनमें गए तो बोलते हैं कि सर हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ हमारे रूम वालों के लिए। तो भाई होटल एंड रेस्टोरेंट क्यों लिखा है भाई, फिर कहाँ लिख रहे हो, नहीं ना लिखे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, अपने लक आजमाते हैं, अगर मिल जाए कहीं पे होम स्टे वगैरह कुछ बढ़िया सा तो खाते हैं और सो जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जीवालिंग, जो कि आज का हमारा ठिकाना है। बढ़िया सा फर्स्ट क्लास रूम मिल गया और खाना उनको ऑर्डर कर दिया है। ये सिटी में पड़ता है, मतलब मिडल ऑफ द सिटी, नॉट आउटसाइड नॉट इनसाइड। सो यहाँ पर होगा हमारा आज का ठिकाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप आपने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। कल हम लोग फिर निकलेंगे आगे की ओर। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नो बाल बोर्ड एकदम ख़राब हो चुके हैं, हेलमेट पहन के बालों की क्या स्किन की सबकी वाट लग चुकी है। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव सम फूड एंड स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सी माई ऑल द वीडियोज़।